कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि जो वीडियोस मैं बना के आपको दे रही हूँ उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, हमने चैप्टर 2 से आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने पोलन ग्रेन का निर्माण, साथ ही साथ ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन, उसका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन को पढ़ा था। और अब हम देखते हैं निषेचन पश्च की घटनाओं के अंतर्गत भ्रूणपोष और भ्रूण अर्थात एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को किस प्रकार अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर किस प्रकार फर्टिलाइजेशन, जो हम पहले समझ चुके हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इसमें दोहरा निषेचन की क्रिया पाई जाती है, जो एक सत्य निषेचन होता है जो कि क्या बना लेता है, जायगोट बना लेता है, और जो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है अर्थात 2n स्टेज में होता है। इसके बाद यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होती है और साथ में उसमें एक नर युग्मक जुड़ता है, जिसके कारण वो 3n स्टेज बनाती हैं। ये जो 3n स्टेज वाला पोषण है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो ये एंडोस्पर्म को हम अभी आगे समझते हैं। भ्रूणपोष जो होता है वो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है, जिसको हमने पढ़ा कि दो पोलर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या मिलता है, एक मेल गैमेट मिलता है, और ये मिलकर के 3N अर्थात त्रिगुणित संरचना बनाते हैं। ये 3N स्ट्रक्चर जो है अनेक बार डिवाइड होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है, और उसके बाद में वो किसका निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका जो है, एंडोस्पर्मिक सेल जो है, वो मल्टी टाइम डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाती है, जो कि त्रिगुणित स्टेज में रहता है। अब ये जो भ्रूण पोष रहता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का रहता है। यदि हम देखें तो सामान्यतया पौधों में मुक्त केंद्र की भ्रूण पोष पाया जाता है। सामान्य रूप से ये पाया जाता है मुक्त केंद्र की भ्रूण पोष अर्थात फ्री न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्मिक सेल होती है, सपोज मान लीजिए हम ये अभी एक मेगा स्पोरेंजिया का देख रहे हैं और यहाँ पर ये जायगोट बना हुआ है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका रहती है वो डिवाइड होती है और कई कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन इसमें आसपास कोशाभित्ति का निर्माण जो होता है वो नहीं होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होते हैं, तो मुक्त केंद्र की स्टेज में ये पाया जाता है, तो इसे मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश कहते हैं। इसका उदाहरण है कच्चे नारियल का जो पानी, कच्चा नारियल जो रहता है उसके अंदर जो पानी रहता है एक्चुअली वो ही उसका एंडोस्पर्म है, अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूण पोष रहता है जो लिक्विड स्टेज में है। नेक्स्ट देखें हम कोशिकीय भ्रूण पोष। इस प्रकार का जो भ्रूण पोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक सेल देख लें, यहाँ पर इसका जायगोट या एम्ब्रियो वाला पोर्शन है, तो जो प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका रहती है वो कई बार ऐसे सेल डिवाइड करती है और इस प्रकार से ये कोशिकीय भ्रूण पोष का निर्माण करती है। जो थर्ड नंबर का आता है वो है हेलोबियल भ्रूण पोष, जो कि एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, जो एम्ब्रियो वाला पोर्शन है या जायगोट वाला पोर्शन है वो अलग, इसमें पहले तो वो दो भागों में बटेगा, लेकिन एक भाग में मुक्त केंद्र की अवस्था में उसका भ्रूण पोष आ जाएगा और दूसरे भाग में उसका सेलुलर वाला पोर्शन आएगा, जिसको हेलोबियल भ्रूण पोष कहा जाता है। ये सिर्फ मैं समझने के लिए डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। अब जो भ्रूण पोष होता है उसका क्या काम होता है, तो उसका मेन फंक्शन जो होता है, तो जो भ्रूण का विकास उसके अंतर्गत हो रहा है उसको वो पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, फूड प्रोवाइड करता है, ये मेन इसका काम है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से एंडोस्पर्मिक सेल बनी। तो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो हमने पहले से ही बहुत अच्छे से समझ के रखी हुई है। इसका किससे फर्टिलाइजेशन होता है, नर युग्मक एक ये बना, ये तीनों किस स्टेज में आ जाती है, 3N अर्थात
ट्रिप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं, स्त्री यानी त्रिगुणित हो जाती है। तो ये त्रिगुणित होकर के क्या बना लेती है, प्राथमिक एंडोस्पर्मिक कोशिका बना लेती है। अब ये जो प्राथमिक एंडोस्पर्मिक सेल है ये कई बार डिवाइड होती है, मल्टीपल टाइम डिवीजन होता है और ये एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब इस बीच में क्या होता है कि जो सेनर्जिक सेल या सहायक कोशिका रहती है, सहायक है, वो विलुप्त हो जाती है, धीरे से डिजनरेट हो जाती है। और ये जो अंड कोशिका है, ये हम पहले ही समझ चुके थे कि एक दूसरे नर युग्मक के साथ ट्रू फर्टिलाइज अर्थात सत्य निषेचन करके किसका निर्माण करती है, आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण या भ्रूण का निर्माण करती है। तो अब हम देखेंगे भ्रूण का निर्माण। भ्रूण जो होता है उसका विकास किससे होता है, युग्मनज से, अर्थात अंड कोशिका और नर युग्मक के फ्यूजन से क्या बना, युग्मनज बना, और युग्मनज से किसका निर्माण हुआ, एम्ब्रियो का। लेकिन यहाँ एक बात हमें ध्यान देना है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले किसका विकास होता है, भ्रूण पोष का होता है। अधिकतर पौधों में एक निश्चित सीमा तक पहले भ्रूण पोष का निर्माण होता है, बहुत अधिक से विकसित होता है, उसके बाद जाकर के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। इसलिए एंडोस्पर्म पहले क्या होता है, डेवलप होता है, देन एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो जो है वो किससे फूड गेट करता है, एंडोस्पर्म से। अब अगर हम देखें, बात करें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे रहते हैं, एक बीजपत्र मतलब जिसमें एक ही बीज का एक बीजपत्र बना रहता है, और द्विबीजपत्र में वो दो भागों में बट जाता है सीड बराबर बराबर। उसमें जो भ्रूण की विकास की आरंभिक अवस्था दोनों की एक समान होती है, मतलब एक निश्चित सीमा तक मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों एक सी स्टेज से विकसित होते हैं, बाद में जाके उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं चित्र में, तो हमने देखा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको द्विबीजपत्र को, ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, इसको कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री के उदाहरण आप सबको बहुत अच्छे से याद है, जो दालें हैं, जो बीन्स हैं, वो सारे द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूलांकुर है, और मूलांकुर के बाद कुछ कोशिकाओं का समूह मूल गोप बना लेता है, जो जाकर के क्या करता है, फर्दर रूट डेवलप का कार्य करता है, रूट सिस्टम डेवलप करता है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है बीज पत्तादार प्रांकुर वाला जो है, ये शूट सिस्टम अगेन डेवलप करने का काम करता है। अब यहाँ पर हम देखें एक बीजपत्री, यहाँ पर हमने एक घास के भ्रूण का लिखा है, इसमें ये ऊपर वाला भाग है, तो कहते हैं स्कूटेलम, और इसको कहते हैं कॉलकोप्टाइल, और शूट अपेक्स वाला भाग जो हम देख रहे हैं इसको प्ररोह शीर्ष बोलते हैं। ये जो प्ररोह शीर्ष है यही जाकर के आगे उस पौधे के पर्टिकुलर तना या शूट सिस्टम को डेवलप करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, मूलांकुर, और यहाँ पर मूल गोप, सेम ये उसी बीज के पत्री के, तो ये जाकर के नीचे मिलकर के किसका डेवलप करेंगे, रूट सिस्टम डेवलप करेंगे, रूट डेवलपमेंट का कार्य ये कार्य करेगा। तो ये है एक बीज पत्री की संरचना, ये आपकी पुस्तक में बनी हुई है। तो बच्चों ये था हमारा पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये आपके इसमें बहुत शॉर्ट में है, इसको आगे हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, मेन इसके डायग्राम से जिनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों।